तो सजनों एक भजन मीरा भाई ने बहुत सुंदर भजन लिखा था। मीरा भाई ने अपने गुरुदेव से अरदास की थी प्रभु, और ये भजन मुझे बता आप सभी के सुना हुआ है, लेकिन उस भजन के अंदर, हर भजन के अंदर एक लाइन होती है, उस भजन की जान होती है। और इस भजन को आप सभी लोग प्रेम से सुनना, आपने सुना होगा लेकिन आज ध्यान देना इस भजन में क्या है। ओहो पापी पुण्य नहीं कर सके और जीवत जस नहीं ले, जैसे अड़वा खेत में वो खावे निकावण देत, सब लोग जाने इन वास्ते नाम बैठता रहो लेकिन ना आवे। मेरा भाई ने अपने गुरुदेव से अरदास की प्रभु दुनिया रूठ जावे, जग रूठ जावे, कोई फर्क नहीं पड़े। दुनिया रूठ जावे तो चले, लेकिन सांवरियो और गुरुदेव नहीं रूठना चाहिए। वे रूठ जावे तो आदमी ने गौर करे छोड़ नहीं है। परमात्मा नहीं रूठना चाहिए, जा को राखे साइया मार सके नी कोय, बालनी बाता कर सके चाहे सब जग देरी होय। लिखे अविदाता लेकर तीनी टलने का, तिल बड़े नराई घटने का, जो कछु लिखा लिलाड़ में मेट सके ना कोय, कोटि यतन करते फिरो फिर अनहोनी ना होय। परमात्मा जिन्हें राम हाते उन्हें कोई नहीं चाके, राम जी साथे रहना चाहिए। तो मेरा भाई गुरुदेव ने कह प्रभु वो का वो वृतांत बोले, उस तिगरु मिलता जई जो जी वो दर्शन देता जई जो जी। क्या सुंदर लिखा, अरे भी बढ़िया री बाता थोड़ी मन कहता जई जो जी, अनिल जी देवड़ा सेन आपके अपने समाज से और कलाकार के लिए सभी समाज एक है, पूरा धर्म एक है। ऐसे होनहार युवा कलाकार, युवा दिलों की धड़कन और पूरे भारतवर्ष में अभी अपनी कलाकारी का जलवा बिखर रहे हैं, श्रीमान अनिल जी देवड़ा के एक बार सभी जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें, धन्यवाद। अरे सुना जड़ी में
मन दुनिया बता दे रो जो भी कार्यकर्ता उनसे निवेदन वो माता सती आगे आकर बैठना चाहती है, एक बार थोड़ी व्यवस्था कर लो, जगह से आराम से बैठाएं, सभी माताएं खड़ी हैं उनको बैठ